बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम जनरल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स, एंटिटस सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज मैं आपको एवरेज स्पीड से मुतल्लिक आने वाले कुछ प्रॉब्लम्स का एक डिटेल्ड सॉल्यूशन मेथडोलॉजी जो है वो समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड, उसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर तो एक ही कंसिस्टेंट डिस्टेंस किसी बॉडी ने कवर किया है किसी इंटरवल ऑफ टाइम में, तो फिर तो एस ओवर टी हो जाएगा। लेकिन अगर बॉडी ने डिफरेंट इंटरवल्स में मुख्तलिफ डिस्टेंसेस ट्रैवल किए हैं, जैसे को डिस्टेंस वन उसने टाइम टी वन में ट्रैवल किया है, डिस्टेंस टू उसने टाइम टी टू में ट्रैवल किया है, तो उसने जितने डिस्टेंसेस जितने जितने टाइम इंटरवल्स में कवर किए हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम स्पेंट। अगर हम सिर्फ दो इंटरवल्स पे काम करें कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी ने दो अलग अलग डिस्टेंसेस दो अलग अलग टाइम्स में कवर अप किए हैं, तो फिर हम एवरेज स्पीड के इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में लेके जा सकते हैं, एज S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। तो मोस्टली हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, उसकी वजह ये है कि यही ज़्यादा प्रॉब्लम्स में MCQs में यूज़ होती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला केस हम देखते हैं कि एक पर्सन ने डिस्टेंस S1 ट्रैवल किया है विद द स्पीड V1 और फिर डिस्टेंस S2 ट्रैवल किया है विद द स्पीड V2। तो व्हाट विल बी इट्स एवरेज स्पीड? पहले इसका हम एक स्ट्रक्चर फार्मूला बनाते हैं, फिर कोई एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो देखें, एवरेज स्पीड की इक्वेशन है वी एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। अब देखें, फॉर एग्जांपल के एक ऑब्जेक्ट ने 100 किलोमीटर तय किए हैं 20 मीटर पर सेकंड से, और नेक्स्ट 100 किलोमीटर तय किए हैं 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो अब पहली चीज़ तो ये कि हमें इस प्रॉब्लम में दो डेटास गिवन है, डिस्टेंस एंड स्पीड, और हमें इसमें टाइम गिवन नहीं है। तो अगर टाइम गिवन नहीं है तो हमने टाइम को भी स्टूडेंट्स डिस्टेंस और स्पीड की जो है वेरिएशन में चेंज कर लेना। देखें, अब इस इक्वेशन को मैं कैसे मॉडिफाई करूंगा। आई विल राइट वी एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय, अब बाय यूजिंग द फॉर्मूला S इज इक्वल टू VT, वी नो दैट T इज इक्वल टू S/V। तो T1 की जगह हम लिखेंगे S1/V1 और T2 की जगह हम लिखेंगे S2/V2। यहाँ तक स्टूडेंट्स, जो फार्मूला मैंने आपको दिया है, ये फार्मूला आप उस केस में यूज़ कर सकते हैं अगर डिस्टेंसेस डिफरेंट और स्पीड सेम हो, या फिर डिस्टेंसेस सेम या स्पीड डिफरेंट हो। नाउ, अब अगर हम एक कंडीशन यहीं से सपोज कर लें, कंडीशन ये सपोज कर लें कि जो डिस्टेंस S1 है वो इक्वल है डिस्टेंस S2 के, यानी ये भी 100 किलोमीटर सपोज कर लें और ये भी 100 किलोमीटर सपोज कर लें, तो अब ये फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई हो जाएगा। देखें, अब S1 S2 के इक्वल है तो हम इसको सिंपल S लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट वी एवरेज इज इक्वल टू S+S 2S, इसमें से S कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1/V1 + 1/V2। अब S और S क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इसकी कैंसिलेशन के बाद स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, अब देखें यहाँ पर अगर हम LCM लें और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 2V1V2 डिवाइडेड बाय V1 + V2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है कि एवरेज वेलोसिटी कैन बी फाउंड बाय 2V1V2 डिवाइडेड बाय V1 + V2, यानी आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 2 times ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय सम। ये फॉर्मूला किस केस में अप्लाई होगा? लेट से अ ट्रेन कवर 100 किलोमीटर्स विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकंड एंड अनदर 100 किलोमीटर्स विद अ स्पीड ऑफ लेट से 40 मीटर्स पर सेकंड। सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड? अब आपको डिस्टेंस यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिस्टेंस इस कैटेगरी में क्या है, सेम है। सो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर जाएं कि 2 times ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डीज टू नंबर्स, यानी 40 × 20 डिवाइडेड बाय 40 + 20। तो स्टूडेंट्स, इससे आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। एंड इन केस
कि अगर ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं है, लेट से ये 100 किलोमीटर है और ये 200 किलोमीटर है और स्पीड्स भी इसी तरह है, तो फिर आप इस फार्मूला को यूज़ नहीं कर सकते। फिर आप इस फार्मूला पर आएंगे, एस वन प्लस एस टू यानी 100 प्लस 200, एस वन ओवर वी वन यानी 100 बाय 20, एस टू ओवर वी टू यानी 200 बाय 40। तो अभी जो मैंने आपको केस सॉल्व करके दिया स्टूडेंट्स, ये है फॉर डिस्टेंस एंड फॉर स्पीड। अब इससे नेक्स्ट जो एग्जांपल होगी वो हम करेंगे टाइम एंड स्पीड के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इसका जो सेकंड केस वो हम यूं पढ़ेंगे कि फॉर एग्जांपल एक कार है, वो कार घड़ी का आधा हिस्सा या यूं समझ लें कि हाफ टाइम या टाइम टी वन ट्रैवल करती है विद द स्पीड ऑफ वी वन, और अगले हाफ टाइम के लिए या अगले टाइम इंटरवल टी टू के लिए वो ट्रैवल करती है विद द स्पीड वी टू। यानी हो सकता है वो आधा घंटा ट्रैवल करे स्पीड वी वन से और अगला आधा घंटा ट्रैवल करे वो स्पीड वी टू से, तो फिर हम इसकी एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए स्टूडेंट्स हम इक्वेशन लिखेंगे वी एवरेज अगेन एस वन प्लस एस टू डिवाइडेड बाय टी वन प्लस टी टू। अब चूंकि इसमें हमें गिवन डाटा टाइम और स्पीड है, तो हम इस इक्वेशन को टाइम और स्पीड में चेंज करेंगे, यानी वी एवरेज इज इक्वल टू एस वन की जगह हम लिख सकते हैं वी टी, एस टू की जगह भी वी टी, बस जो सिंबल्स आएंगे वन और टू वाले आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय टी वन प्लस टी टू। सो नाउ अगर टाइम्स भी अलग अलग हैं, स्पीड्स भी डिफरेंट हैं, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें। मिसाल के तौर पे टाइम है वन और या सेकंड्स में चलें बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एसआई सिस्टम के लिए आप आंसर निकालेंगे, तो टाइम है 10 सेकंड्स, ये टाइम है 20 सेकंड्स, ये स्पीड है 20 मीटर्स पर सेकंड, ये स्पीड है 30 मीटर्स पर सेकंड। तो जो जो नोटेशंस यहाँ पर गिवन है उसके मुताबिक स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करते जाएँ एंड यू विल गेट द एवरेज स्पीड। बट अगर हम ये कहें कि ये टाइम्स इक्वल हैं, ये यूं समझ लें कि ये फर्स्ट हाफ और है, ये नेक्स्ट हाफ और है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम टी वन इक्वल है टाइम टी टू के। अब ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई होगी? अब ये इक्वेशन मॉडिफाई होगी वी एवरेज इज इक्वल टू वी वन टी प्लस वी टू टी। टी में क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि दोनों टाइम्स इक्वल हैं, तो आपको वन टू लिखने की जरूरत नहीं है टाइम के साथ। डिवाइडेड बाई टी वन प्लस टी टू का मतलब हो जाएगा टू टी। एवरेज वेलोसिटी टी कॉमन आ जाएगा, वी वन प्लस वी टू डिवाइडेड बाय टू टी, टाइम से टाइम स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू डिवाइडेड बाय टू। तो ये फॉर्मूला आप तब यूज कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी के लिए जब आपको इक्वल टाइम इंटरवल्स गिवन हो। ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये दो इक्वेशंस हमने एवरेज स्पीड की डिराइव की। नाउ फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्वेश्चन कि अ ट्रेन कवर्स 100 मीटर विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकंड एंड देन द सेम ट्रेन कवर्स द 100 मीटर अनदर 100 मीटर्स विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकंड। अब चूंकि डिस्टेंसेज इक्वल हैं, तो आप इन दोनों में से ये इक्वेशन चूज करेंगे जो इक्वल डिस्टेंसेज के लिए थी। तो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए आप यूज करेंगे 2v1 यानी 20, v2 यानी 10, डिवाइडेड बाई 20 प्लस 10 इट वुड बी 30। तो यहाँ पे आपके पास कैंसिलेशन के बाद 60 डिवाइडेड बाई 3 आंसर आ जाएगा 20 मीटर्स पर सेकेंड। सिमिलरली स्टूडेंट्स, नाउ देर इज अनदर प्रॉब्लम के अ ट्रेन ट्रेवल्स फॉर वन आवर विद अ स्पीड ऑफ 90 मीटर्स पर सेकेंड and another one hour with a speed of 30 meters per second, then what will be the average speed? Use this formula for equal time intervals. So v1 yani 90 plus v2 yani 30 divided by 2. So simple arithmetic mean wala formula aa jayega, ye aa jayega 120 divided by 2. So average speed of train kitni aa jayegi students? 60 meters per second. नाउ स्टूडेंट्स, लेट से कि डिस्टेंस इज इक्वल नहीं है। सपोज वी से कि अ कार ट्रैवल 1/3 ऑफ अ डिस्टेंस विद अ स्पीड 20 मीटर्स पर सेकेंड एंड द 2/3 ऑफ द डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। अब उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? देखिए, अब डिस्टेंस इक्वल नहीं है,
तो हम अनइक्वल डिस्टेंस के लिए एवरेज स्पीड की वो इक्वेशन यूज करेंगे, एस वन प्लस एस टू, एस वन ओवर वी वन प्लस एस टू ओवर वी टू, यानी टाइम की जगह पर एस ओवर वी आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे, देखें यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं एस वन प्लस एस टू, अब एस वन ओवर वी वन, एस वन की वैल्यू 1/3 और वी वन की वैल्यू है 20, एस टू की वैल्यू 2/3 और वी टू की वैल्यू है 10। अब इसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स, 1/3 प्लस 2/3 1 हो जाएगा, ये 1/20 × 360 आ जाएगा, ये 2 और यहाँ पर कैंसिलेशन के बाद 1/15 आ जाएगा आपके पास। तो इसका एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स 60 आएगा, तो 1+4 और फिर 60/5, इसको आप खुद भी एक दफ़ा सॉल्व करेंगे तो 12 मीटर्स पर सेकेंड विल बी द आंसर। स्टूडेंट्स इसी तरह एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं अनइक्वल टाइम्स के लिए, कि फॉर एग्जांपल अ कार ट्रेवल्ड फॉर 15 सेकेंड्स विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड एंड अनदर 45 सेकेंड्स विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। अब टाइम्स इक्वल नहीं है तो हम एवरेज वेलोसिटी की इक्वेशन यूज करेंगे, v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। तो सिंपल v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। सिंपल इसको आप सॉल्व करेंगे आगे फर्दर स्टूडेंट्स, तो आपके पास 12.5 मीटर्स पर सेकेंड विल बी द आंसर। तो ये है स्टूडेंट्स एक छोटा सा की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एवरेज स्पीड। आई एम होपफुल कि आपको ये समझ आया होगा, इसको मज़ीद प्रैक्टिस करें, इसके प्रॉब्लम्स आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे और इन फार्मूलाज को प्रैक्टिस करें। अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।